अरे बाहर न टुगो बाहर न वणो कपर खों बाहर हल्या वणो न चरिया किन छदा आज का व्लॉग बहुत ही अफसोस और बहुत ही मतलब कि सैड होने होकर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यार अभी सीन आप लोगों को आगे चलकर सारा पता चलने वाला है। नो पानी हुई बाबो वेड़ी अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर से होंगे। तो आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही अफसोस और बहुत ही मतलब कि सैड होने होकर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यार अभी सीन आप लोगों को आगे चलकर सारा पता चलने वाला है। यार सुबह के टाइम कह रहे हैं कि यार सुबह के टाइम 8 बजे से 9 या 10 के दरमियान एक बच्चा गया था, नहाने गया था या मच्छी पकड़ने गया था या मच्छी मारने गया था, तो उसके दौरान वो बच्चा डूब गए। तकरीबन हमारी एज जितना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी शाम के 6 से 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बच्चा नहीं मिला है। जो कि सारे लोग वहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, बहुत ही ज़्यादा टोबे आए हैं। ये भी अपने बंदे हैं जो कि अभी हम ट्रैक्टर ट्राली से आए हैं, और जाते जाते भाई बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। रास्ते ऐसे हैं जो कि पहुँचते पहुँचते मैंने तो सोचा था कि मर जाऊँगा, इतनी ज़्यादा चोट लगी, लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा। तो यार मैंने सोचा कि यार आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूँ, और पानी भी बहुत ही ज़्यादा है, पानी का भी व्यू आप लोगों को आज के सो लोग में चेक करवा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात, बेचारा वो बच नहीं पाया, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। अल्लाह से यही दुआ है कि यार उस बेचारे की डेड बॉडी मिल जाए। उसकी कास्ट मला है, और वो मला मारने गया था मच्छी, शायद नहाने गया था, कोई भी वजह होगी जो कि अभी तक हमको पता नहीं चली। वो सामने से मोड़, उसके बाद जो है उसके पीछे बहुत ही बड़ा दरिया है जो कि बच्चा गया था। यार ऐसी हरकतें आप ना किया करें, इन छोटी हरकतों की वजह से, इन छोटी गलतियों की वजह से जान भी जा सकती है आपकी। तो बहुत ही ज़्यादा पैदल करना पड़ा है, अभी तो 3-4 किलोमीटर का सफ़र है हमारे विलेज से यहाँ तक आने का, और भाई बस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। फाइनली अभी पहुँच चुके हैं। ये व्यू चेक करें और ये लहरें चेक करें भाई, दरिया की। ये सामने से भीड़ चेक करें लोगों की, कितनी पब्लिक आई हुई है। बच्चा जो कि सुबह के 8 बजे या 9 बजे डूब गया है, और अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। भाई बहुत ही ज्यादा भीड़ आई हुई, और वो रही नेवी, नेवी है शायद टोबे हैं जो भी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब
कपर खो टूबी न था जन तो बाहर निकता है जावन जन नो पानी बाबो वेरी अंदर कौन था जन थे अगत खेचट कर रिजल्ट चेक कर बोली करवा मैंने नवा यूट्यूबर से वाह कर के लाइक एंड सब्सक्राइब ने बोली कराई ने हां आर्गुमेंट हम दाइन सो गए थे अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं मिल रही है। ये पब्लिक चेक कर कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, लेकिन भाई दुआ करना कि ये डेड बॉडी मिल जाए। अभी तो हम जा रहे हैं, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, सूरज जो ग्रुप हो चुका है और हमारे बंदे सारे जा रहे हैं। सो गए थे अभी बाहर आ चुके हैं और वो रहा, अभी तक तो नहीं मिला डेड बॉडी, अभी तक नहीं मिली और कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन भाई जितने लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा टोबे वगैरह आए हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह के 8 बजे से अभी तक शाम के 6 से 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये तो बात भाई बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं और कोई ऐसा मतलब कि नेवी फ़ौज शायद आई हुई है। लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि यार आई हुई है, लेकिन एक बंदे ने कहा कि यार नहीं आई हुई है। तो इतना बड़ा वाक्य हो गया, लेकिन अभी तक कोई जो है यहाँ पर नेवी फ़ौज या ये वो। फ़िलहाल सीन ये कि अभी जा रहा हूँ घर पैदल, 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से हमारे विलेज तक, हमारे घर तक 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है। और फिर जो है भाई आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अपडेट दूंगा कि डेड बॉडी मिली या फिर नहीं मिली। इंशाल्लाह यार दुआ में याद करना, अल्लाह से दुआ करना कि यार डेड बॉडी मिल जाए। ये बच्चे हैरान हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप लोगों को ये चीज़, मैंने ये जगह चेक की है तो मुझे एक बात याद आ गई है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना,
तब भाई तकरीबन 3 से 4 वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड की थी, उसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाते बनाते यहाँ तक आ गया था। ये सामने से जगह है, वहाँ तक आ गया था। शायद कोई ऐसा व्लॉग था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही वो जगह देखी तो मुझे जो है वो याद आ गया कि यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो वो जगह भाई, कुछ लोग कहते हैं कि यार अब्दुल नईम के व्यूज़ जो है ऑटोमेटिक आ गए हैं, अब्दुल नईम ने मेहनत ही नहीं की, ऐसे व्यूज़ आ गए अब्दुल नईम के, अब्दुल नईम का चैनल ग्रो हो चुका है। भाई मेहनत भी चेक करें, ये जगह चेक करें, यहाँ मैं अकेला आया हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं होता था, अकेला यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अकेला आया हूँ यहाँ पर। और ये व्लॉग मैं ऐसे एंड नहीं करूँगा, आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट दूँगा कि डेड बॉडी मिली है या फिर नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग ऐसे एंड नहीं करूँगा, नेक्स्ट अपडेट शायद रात तक पहुँच जाएगी या सुबह तक, जब भी पहुँची नेक्स्ट अपडेट तो आप लोगों को बता दूँगा कि डेड बॉडी मिली है या फिर नहीं मिली। अभी फ़िलहाल व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। 24 hours later. हाँ जी, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर से होंगे। तो 24 घंटे बाद आप लोगों से मुलाकात की है, 24 घंटे बाद वो डेड बॉडी आखिर मिल चुकी है, जो कि पानी से खुद ब खुद शायद निकली है। कि 24 घंटे तक वो डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है टोबे वगैरह थे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे बाद वो डेड बॉडी आखिर उनको मिल चुकी है। लेकिन अफसोसनाक वाकया हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पर उस भाई की पिक्चर देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा, कितने उसके प्यारे प्यारे से बाल हैं। आप लोग उस भाई की स्क्रीन पर जो है फ़ोटो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आदमी था। अभी मुझे और कुछ बोला नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। तो फिलहाल व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, तो अपने भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।